सभी प्रेस वाले साथियों का धन्यवाद। और जो हमारी मांगे हैं सरकार, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी गौर करे, नहीं तो आंदोलन। आज एमपी के अंदर लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हरियाणा के अंदर जहां सरकार ने पूरी तसद्दद की हुई है, हर एक वर्कर के ऊपर 500-500 मुलाजमों के साथ सभी गांवों के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, जैसे कोई किसी दूसरे देश के साथ कोई लड़ाई का माहौल हो। इसलिए सभी वहां खापों वाले लोगों ने भी मीटिंगें कर ली हैं, आज भी कुछ खापों की मीटिंगें हैं, और सभी की अपील है, सभी संगठनों से अपील है, सभी खापों की तरफ से भी, और किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक की सांझी प्रेस वार्ता के अंदर भी हम अपील करते हैं पूरे लोगों को, पूरे किसानों को, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस आंदोलन को मजबूत करें। संगठनों से भी अपील है ताकि जो हमारी लड़ाई है, जिसके अंदर हमारे किसान और मजदूर 10-10 हजार रुपए के कर्जे के नीचे अगर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगे और मेरा देश खुशहाल हो सके। हम सरकार को यही कहते हैं, हमने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो आपके मैनिफेस्टो में था, जो आपने हमारे साथ लिखित के अंदर वादे किए हैं, और इस देश के पेट को भरने के लिए जो किसान और मजदूर मेहनत करता है उसको सही दाम मिल सके, यही हमारी अपील है, जो हमारी डिमांड है। इस देश और इस देश की दिशा और दशा को बदलेगी, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी अगर हम इस आंदोलन के अंदर सफल होते हैं। यही अपील करते हुए आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी से कोई साथी ने सवाल करना है वो कर सकता है। कल WTA का प्रेस कन्वेंशन हुई थी, उसके अंदर बुद्धिजीवियों द्वारा बताया गया था, सरकार की जो वर्ल्ड लेवल की मीटिंगें चल रही हैं WTA की, उसके अंदर ये उसकी हम विरोध करते हैं कि किसानी को, खेती को, एग्रीकल्चर को इससे बाहर रखा जाए। हमारे देश के हम सरकारों को बता देना चाहते हैं, ये समझौते किसी भी तरह से देश के हक के नहीं है, उसके विरोध के अंदर पूरे देश के अंदर WTO के पुतले फूके जाएंगे। अभी कोई किसी तरह का कोई भी मैसेज हमारे पास नहीं आया, जो आएगा बिल्कुल बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत करने के लिए हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, जब भी कोई बातचीत होगी बिल्कुल हम मीटिंग भी करेंगे और अपनी वार्ता भी करेंगे। देखिए हमारे फॉर्मों की कल अलग अलग मीटिंग है, किसान मजदूर मोर्चा की और SKM गैर राजनीतिक की, और फिर परसों को दोनों की ज्वाइंट मीटिंग है। पूरे देश के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, आपके सामने होंगे, और पूरा दिन चर्चा कर फिर 29 तारीख को फैसले लिया जाएगा क्या करना है, किस तरह से अपने आंदोलन को मजबूत करना है, और कैसे दिल्ली कूच की बात आई, जो भी प्रोग्राम बनता है वो आपको 29 को बता दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपने हमारे लीडरों के माध्यम से कहां सुना कि हमने पंजाब सरकार को कहीं बख्श दिया है? जो हमारी डिमांड है पंजाब सरकार के पास तो है, पंजाब सरकार करे, पंजाब सरकार तो रंगला पंजाब मना रही है, लेकिन देश के अंदर शहीदियां हो रही है, शर्म आनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल ये बात नहीं है। सब लीडर साहबानों ने पंजाब सरकार को टारगेट किया है, अगर सरकार चाहती तो पंजाब सरकार चाहती ड्रोन आकर हमारे ऊपर आंसू गैस से गोले छोड़ सकते थे। इसके अंदर सब सरकारें मिली हुई हैं, दबाव के अंदर हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय सब बातों को साफ कर देगा, किसी भी सवाल का जवाब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में सब लोग ये नंगे होंगे, और हम पंजाब सरकार को बता देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक FIR करने में क्या दिक्कत है भाई, गोली चलाई है, एक किसान की मौत हुई है 4 एकड़ दूर, ये नहीं है कि मोर्चे के पास हुई है उसकी डेथ, 4 एकड़ दूर हुई है, लेकिन फिर भी सरकार अगर कहती है कि हाँ हम किसानों के साथ हैं, तो ये समझ लेना चाहिए सभी लोगों को, ये किसानों के साथ नहीं है, ये सेंटर सरकारों का साथ दे रही है अलग अलग तरीके से, वो पिछले रास्ते से कह सकते हैं, या इनकी सभी की मिलीभुगत आप कह सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।